अपने समय जो अपने बच्चों का ट्रायल देते रहता चाहिए, उनको समाज के भिन्न भिन्न वर्गों में जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसको कभी पूछना चाहिए कि भाई तुम्हारे स्कूल में इस बच्चे ने इस बार कबड्डी में अच्छा खेला था तो उसको मिले क्या, जाओ उसके घर जाके मिल के आ जाओ। फलाने बच्चे ने विज्ञान मेले में अच्छा काम किया था, तुम जाकर के मिल के आएगा, अरे जाओ जरा मिल करके आओ। उसको उसकी उसका विस्तार करने का उसको आपको अवसर देना चाहिए। उसको आप ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, कृपा करके उसको बंधनों में मत बांधिए। हमें बच्चों का विस्तार होने देना चाहिए, उनको नए नए दायरे में ले जाना चाहिए, मिलवाना चाहिए, कभी हमें भी ले जाना चाहिए। हमारे यहां छुट्टियों में रहता था तो मामा के घर जाना, फलानी जगह में जाना, ये क्यों होता था? इसका अपना एक आनंद होता है, उसके एक संस्कार होते हैं, एक जीवन की रचना बनती है। हम अपने दायरे में बच्चों को बंद मत करें, हम जितना ज्यादा उनका दायरा बढ़ाएंगे, हम हमारा ध्यान रहना चाहिए, हमारा ध्यान रहना चाहिए कि उसकी आदतें कहीं खराब तो नहीं हो रही है, कमरे में खोया हुआ तो नहीं रहता है, उदासीन तो नहीं रहता है। पहले भोजन पे बैठता था तो कितनी हंसी मजाक करता था, आजकल हंसी मजाक बंद कर दी, क्या प्रॉब्लम है? माँ बाप को तुरंत स्पार्क होना चाहिए। ये तब होता है जब बच्चों को वो एक अमानत के रूप में, ईश्वर ने उसको एक अमानत दी है, इस अमानत का संरक्षण संवर्धन उसका दायित्व है, ये भाव अगर होता है तो पढ़ना बच्चे आते हैं। ये भाव अगर होता है मेरा बेटा है, मैं कहूंगा वही करेगा, मैं ऐसा था तुझे ऐसा बनना है, मेरी जिंदगी में ऐसा था तेरी जिंदगी में ऐसा होगा, तो फिर बात बिगड़ जाती है। और इसलिए आवश्यकता यही है कि खुले मन से हमें समाज के विस्तार की तरफ उसको ले जाने का प्रयास करना चाहिए, उसको जीवन की भिन्न भिन्न चीजों में जुड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मैं तो कभी कहूंगा, मान लीजिए आप क्या वो सांप छतुंदर वाले लोग खाते हैं, कभी बच्चे को कहो भाई तू जाओ इसके साथ बात करो, वो कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से निकला, इस धंधे में कैसे आ गया, क्यों सीखा, चलो मुझे समझाओ, उसको खुश कर जाओ, उसकी संवेदना ही जग जाएगी, वो क्यों ये काम कर रहा है, जानना सीखना समझ मिल जाएगा। कोशिश करनी चाहिए कि आपके बच्चों का विस्तार ज्यादा हो, वो बंधनों में न बन जाए, उसको खुला आसमान दीजिए, उसको अवसर दीजिए, वो समाज में ताकत बन के उभरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर फॉर योर इंस्पिरेशनल इंसाइट्स in matters that have been concerning many exam warriors, and for making exams not a reason to worry, but a season to celebrate and enjoy. This brings us to the culmination of a spectacular event that was a symphony of inspiration and encouragement, a melody of memories that will forever resonate within our hearts. We extend our deepest thanks and gratitude to the Honorable Prime Minister for gracing this hall with his presence and infusing us with his radiant spirit. Pradhan Mantri Ji Dwara Pariksha Pe Charcha Ne Hamare Jaise Karodon Bachcho Ki Bechaini, Ghabrahat Evam Haar Maanne Ki Pravritti Ko Utsah, Umang Evam Safalta Ki Lalak Mein Badal Diya Hai. Dhanyawad Maananiya Pradhan Mantri Ji, Koti Koti Dhanyawad. सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे विद्यार्थी, हमारे अभिभावक, हमारे टीचर्स ये अपने जीवन में तय करें कि परीक्षा का जो बोझ बढ़ता चला जा रहा है, एक वातावरण क्रिएट हो रहा है, उसको जितना ज्यादा हम गाइड कर सकते हैं करना चाहिए, जीवन का उसको सहज हिस्सा बना देना चाहिए, जीवन का एक सहज क्रम बना देना चाहिए। अगर ये करेंगे तो परीक्षा अपने आप में उत्सव बन जाएगी,
हर परीक्षार्थ का जीवन उमंग से भर जाएगा और ये उमंग उत्कर्ष की गारंटी होता है। उस उत्कर्ष की गारंटी उमंग में, उस उमंग को लेकर के आप चलें, यही मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, परीक्षा पे चर्चा का यह सत्र जो कि शिक्षकों और अभिभावकों के लिए था, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बच्चों को परीक्षा पे चर्चा का पहला सत्र भी अवश्य सुनवाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।